सो हेलो एंड वेलकम टू टायर एक्सपर्ट एडवाइस। आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज मैं आपके लिए लेके आऊँ ये स्कूटर का टायर जो कि सीएट कंपनी का टायर है। और आज मैं इस वीडियो में इस टायर का रिव्यू देने वाला हूँ। तो लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप जो है आपको जो है डेली न्यू वीडियोज़ मिलती रहे। और जो है आप अगर बेल आइकन दबाएंगे तो आपको जो है नोटिफिकेशन मिलता रहेगा डेली वीडियोस का। और इसी तरह मैं आपके लिए बेस्ट टायर आपके व्हीकल के लिए लेके आता रहूँगा और सजेस्ट करता रहूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये मेरे पास जो टायर है ये है 310 जो कि स्कूटी पे प्लस में आता है। इसका साइज़ 310 है कि 310। और जो है ये फ्रंट बैक दोनों में सेम आता है। स्कूटी ES में भी जो है ये अप साइज़ में डाला जाता है, इनकी 2.75/10 में 310 वाला टायर लग जाता है। और जैसे कि मैं इसके बारे में बात कर रहा था, ये जो है ये ट्यूब टाइप वाला टायर है, इसमें ट्यूब भी लगता है, ट्यूबलेस टायर नहीं है ये। तो जैसे आप देख सकते हैं ये पूरा टायर जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इसका लाइनिंग है, यानी कि डाई है, हर हर टायर में आता है। यहाँ पे देखिए इसमें कोई स्टिकर वगैरह भी नहीं है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, चलिए शुरू करते हैं साइड से। मैं आपको एक एक टायर में जो है रिव्यू बता दूँ। यहाँ पे देख सकते हैं 310 इसका साइज़ मैंशनड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 42J 4-ply नायलॉन। और यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें जो है मेड इन इंडिया टायर है, सिकिरा नियो ये पैटर्न का नाम है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रोटेशन पैटर्न इसका एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि ये जो है यूनिडायरेक्शनल वाला टायर है, इसको एक प्रॉपर रोटेशन में ही फिट करवाना होगा। अगर आप प्रॉपरली फिट नहीं करवाएंगे तो इसमें जो है आपको दिक्कत आ सकती है। यहाँ पे देख सकते हैं सीएट कंपनी का टायर। यहाँ पे आप देख सकते हैं वापस से जो है 310 का साइज़ मेंशन। यहाँ पे देख सकते हैं TWI का मार्क है, यानी कि TWI अगर आ जाता है, टायर वेयर इंडेक्स आ जाता है, तो उस पर आपको टायर रिप्लेस करवाना है। और यहाँ पे फिर से जो है 42J 4-ply नायलॉन है और मेड इन इंडिया टायर है। तो चलिए दूसरी साइड से हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए इसका सीरियल नंबर मेंशन है, इसका रोटेशन पैटर्न मेंशन है। तो रोटेशन जो है हमेशा क्लॉकवाइज से कराएं। यहाँ पे देखिए इसका ISI मार्किंग है, सीएट कंपनी का टायर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बार कोडिंग है। ये जो है 310 है, ये मैक्स स्पीड इसकी 100 KMPH है, जो कि बहुत ही पुराना टायर जो आता है स्कूटी पे उसका है। 42J 4-ply नायलॉन मेड इन इंडिया टायर, सिकिरा नियो। और यहाँ पे देखिए इसका रोटेशन पैटर्न क्लॉकवाइज है। तो चलिए इसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये जो है फ्रंट और रियर दोनों में आ जाता है। और दूसरी बात मैं बता दूँ जो है स्कूटी पेप के लिए आता है और इसमें ट्यूब डलवा के ही फिट होता है, इसमें ट्यूबलेस सेट नहीं होगा ये। और लाइफ के बारे में अगर हम बात कराएं तो इसकी लाइफ जो है आपको 10 to 12,000 किलोमीटर मिलेगी, यानी कि 10 to 12,000 किलोमीटर आपका जो है टायर जो है साफ़ हो जाएगा और उसमें जो है आपको टायर रिप्लेस कर देना है। आगे बढ़ते हैं। तो इसका वेट अगर मैं बताऊं, इसका वेट जो है 2 to 3 kg के आसपास ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं है, क्योंकि व्हीकल जो है वो भी बहुत ही हल्की है, स्कूटी पेप। और जैसे कि आप जानते हैं अभी पुरानी व्हीकल है और जो है स्कूटी पेप का टायर जो है बहुत जगह मिलता भी नहीं है, लेकिन जो है आपके लिए मैं स्पेशली लेके आया हूँ सीएट कंपनी का। वारंटी अगर हम बात करें तो इसकी 3 साल की वारंटी आती है और जो है अनकंडीशनल वारंटी, यानी कि आपका टायर कट बल्ज या बस्ट हो जाता है तो आपको टायर रिप्लेस करके मिलता है कंपनी की तरफ से। और इसमें जो है पंचर की कोई वारंटी नहीं आती, और साइड से पंचर हो जाए तो साइड से पंचर तो जनरली होता नहीं, और जो है ट्यूब पंचर जो है वो ट्यूब ही होगा, टायर जो है इसमें खिल्ला निकलवाना पड़ता है, क्योंकि ये ट्यूब टाइप वाला टायर, इसमें ट्यूब अलग से लेना पड़ता है। ये सिर्फ टायर आता है ऐसा, वो ओपन टायर आता है, इस पर ट्यूब अलग से लेना पड़ता है। इसके बारे में अगर हम बात करें यहाँ वापस से, तो जैसे मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ तो ये जो है ये टायर का जो टायर जो है बहुत ही बढ़िया है, नायलॉन टायर है, यानी कि इसमें धागे होते हैं, इसमें कोई स्टील बेल्ट वगैरह कुछ भी नहीं होता। और ये जो है आपके व्हीकल के लिए बेस्ट टायर रहेगा। 3 साल की वारंटी अगर आप एक्सटेंड करवाना चाहते हैं, 3.5 साल की वारंटी करवाना चाहते हैं, तो आप जो है ये जो टायर है उसका ऑनलाइन वारंटी स्टेशन में आपको अपना नाम मोबाइल नंबर दोनों बताना है। नाम और मोबाइल नंबर बताने के बाद आपके मोबाइल पे OTP आता है, वो OTP डालने के बाद आपके मोबाइल पर वारंटी स्टेशन हो जाता है। और वारंटी स्टेशन के बाद जो है आपके मोबाइल नंबर बताना है अगर आपका टायर क्लेम में कभी आता है तो जैसे कि वारंटी में जो चीज़ें कवर होती है, जैसे मैंने आपको बताया कट बल्ज एंड बस्ट आपका टायर वारंटी में जो है वो आता है, ये दो तीनों चीज़ों में जो है आपको टायर कंपनी की तरफ से रिप्लेस करके मिलता है। और जो है ये टायर जो है आपको कंपनी की तरफ से रिप्लेस करके मिलता ही है। और जो है इसका सर्विस जो है अगर आपको लेना है प्रॉपर, तो इसमें जो है रिकमेंडेड प्रेशर रखें। प्रेशर जो है मैं आपको बता दूं 32 PSI रखें, 32 से 35 PSI रखें। जनरली इसमें लोड नहीं होता तो 32 PSI आपको बैक साइड में रखना सही रहेगा और सामने जो है 25 PSI रखना सही रहेगा। और इसीलिए जो है ये कम प्रेशर में आप गाड़ी चलाएं, यानी कि जो रिकमेंड प्रेशर उसमें रखा है। और जो है दूसरी बात मैं बता दूँ, इसमें नाइट्रोजन एयर फिल करना है, जिससे आपका टायर का लाइफ 10 to 25% इंक्रीज़ होगा, जिसमें क्योंकि एक तो नाइट्रोजन एयर जो है वो कूल होती है, यानी कि टायर को ज़्यादा गर्म होने नहीं देती। दूसरी बात जो है वो लाइट वेट होती है, उसका वेट बहुत कम होता है। तीसरी बात मैं बताऊँ तो वो जो है प्रेशर कम या ज़्यादा नहीं होता। और चौथी बात में से मैं बताऊँ तो वो जो है
मंथ में एक बार चेक करनी पड़ती है, यानी कि टॉपअप करना पड़ता है। और जो है पांचवी बात में होता है, तो आजकल हर जगह अवेलेबल है, तो आप अपने व्हीकल के लिए जो है 310 टायर बिल्कुल लगवाए सीएट कंपनी की तरफ से, क्योंकि इसकी वारंटी सबसे बढ़िया है, यानी कि कट बल्जन बस की 3.5 साल की वारंटी, जो कि सबसे पहला है टूलर सेगमेंट में। और जो है नट एंड एयर फिल करवाने से आपको टायर का परफॉर्मेंस और लाइफ बहुत अच्छा मिलेगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप अपने व्हीकल में टायर फिट करवाएं, और मुझे आप कमेंट करके बताइए कि आपको इसका परफॉर्मेंस कैसा मिला। टायर एक्सपर्ट डेटाबेस का जुड़े हुए बहुत बहुत शुक्रिया। आज की इस वीडियो में इतना ही, लेकिन जाने से पहले मैं आपको बता दूँ, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। आपको कोई जनरल सवाल हो टायर रिलेटेड वो भी मुझे बताइएगा कि, और ये भी बताइएगा कि आपको कोई एलिमेंट अगर लगता है कि मैं मिस कर गया हूँ इस वीडियो में, तो वो भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। और जो है ये भी मुझे बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। टायर एक्सपर्ट से जुड़े रहने बहुत बहुत शुक्रिया।